गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रूपकता। किसी भी ताल का विवरण जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले ये पॉइंट हमें मेंशन करने होंगे, बंद बोलों की ताल है या खोले बोल की ताल है, कितनी मात्राएं हैं, कितने विभाग हैं, कौन सी मात्रा पर ताली है, कौन सी मात्रा खाली है, और कौन सी गायन शैली के साथ इस ताल का प्रयोग किया जाता है। ये पॉइंट्स हम ताल के परिचय में, ताल के विवरण में हम लिखेंगे और फिर उसके बाद ताल के एक गुण, दुगुण, तिगुण व चौगुण, इस प्रकार से हम ताल के क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं रूपक ताल। रूपक ताल में सात मात्राएं हैं, इस प्रकार से हम काउंटिंग लिखेंगे। इसी प्रकार से ये सात मात्राएं, और पहले गुण लिखते हैं उसके बाद विगुण लिखेंगे। सात ये हैं मात्राएं, और ये लिखे हमने ताल चिन्ह, और ये है ताल के बो, इस प्रकार से लिखेंगे। अब रूपक ताल में शॉर्ट में लिखते हैं, पहले हम रूपक ताल में मात्राएं कितनी हैं, सात मात्राएं, सात हैं। विभाग कितने हैं, तीन, कितने कितने मात्राओं के, तीन, दो दो मात्राओं के तीन विभाग। सम कौन सी मात्रा पर, सम का जो स्थान है, और ताली का स्थान, और खाली इसमें है नहीं। तो रूपक ताल में पहली मात्रा पर सम भी है और पहली मात्रा पर खाली, पहली मात्रा, और ताली है चौथी मात्रा पर और छठी मात्रा पर ताली, और इसका प्रयोग लिखेंगे। ये पॉइंट्स हम सुगम संगीत के साथ, ये शॉर्ट में बताया आपको। आपको इस प्रकार से डिटेल में लिखना होगा कि रूपक ताल तबले पर बजने वाली बंद बोलों की ताल है। इस प्रकार से आप विवरण में लिखेंगे, रूपक ताल तबले पर बजने वाली बंद बोलों की ताल है। इस ताल में सात मात्राएं होती हैं, इस ताल में सात मात्राएं होती हैं, तथा तीन दो दो मात्राओं के तीन विभाग होते हैं, अर्थात पहला विभाग तीन मात्राओं का, दूसरा विभाग दो मात्राओं का, और तीसरा विभाग भी दो मात्राओं का होता है। इस ताल में प्रथम मात्रा पर, पहली मात्रा पर, इस ताल की जो पहली मात्रा है, इस ताल में पहली मात्रा पर खाली का स्थान है, और इसी खाली को ताल का सम भी माना जाता है। इस पहली मात्रा पर खाली का स्थान भी है और खाली का स्थान भी है, इस खाली को ही ताल का सम माना जाता है। रूपक ताल की यह विशेषता है कि इसमें सम के स्थान पर, ये सम है, सम के स्थान पर खाली दर्शाया जाता है, सम के स्थान पर खाली दर्शाया जाता है। रूपक ताल की पहली मात्रा खाली दर्शाया जाता है, इसको दर्शाया जाता है। खाली और ताले के विषय में भी कुछ मतभेद हैं, किस प्रकार से ताली माना जाए या खाली माना जाए, इस विषय में भी मतभेद हैं। ताली मानना इसलिए उचित है क्योंकि गायक या वादक जब अपने गीत को आरंभ करते हैं, जब गीत अपना शुरू करते हैं, तो सम से ही, ये है सम, तो सम से ही इस ताल को बजाना शुरू करते हैं, सम से ही ताल को बजाना शुरू करते हैं, इसलिए रूपक ताल की पहली मात्रा को सम मानना ही उचित उचित माना गया है। ये तो था सम और खाली पहली मात्रा के विषय में। और दूसरी जो ताली है वो चौथी मात्रा पर आती है, और तीसरी ताली है वो छठी मात्रा पर आती है। मात्राएं कितनी है, सात, ताल चिन्ह,
ताल के बोल, उससे पे अब नेक्स्ट लिखेंगे प्रयोग, इसका क्या यूटिलाइज है, कौन सी गायन शैली के साथ इस ताल का प्रयोग किया जाता है। रूपक ताल का प्रयोग सुगम संगीत व शास्त्रीय संगीत गायन शैली के साथ भी इस ताल का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक काल में यह ताल बहुत प्रचलित है, आजकल यह ताल बहुत ही प्रचलित है। तो अब लिखेंगे हम रूपक ताल के एक गुण। एक गुण इस प्रकार से सात मात्राएं लिखा, ताल चिन्ह, उसके बाद ताल के बोल। ताल के बोल को हम ठेका भी कहते हैं, और मात्राएं ये 1 to 7 एक सर्कल इस प्रकार से, और बोल का पर्यायवाची क्या है, ठेका। अब बोल लिखेंगे हम एक के नीचे तीन, दो के नीचे इस प्रकार से तीन तीन ना, तीन तीन ना, धिन ना, धिन ना, इस प्रकार से ताल के बोल लिखेंगे, तीन तीन ना, धिन ना, धिन ना। कई बुक्स में आपको ऐसा ही मिलेगा, ती ती ना, धी ना, धी ना, दोनों राइट, तीन तीन ना, धिन ना, धिन ना, या ती ती ना, धी ना, धी ना, दोनों ही राइट है। तो इस प्रकार से हम ताल की एक गुण लिखेंगे, और ताल की एक गुण के बाद फिर हम लिखेंगे ताल की दुगुण। दुगुण में फिर दोबारा से काउंटिंग लिखेंगे, ऐसे ही दुगुण लिखें या तिगुण लिखें या चौगुण लिखें, दोबारा से काउंटिंग लिखेंगे ताकि आपको लिखने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम लिखेंगे ताल के दुगुण। दुगुण में दोबारा से काउंटिंग इसी प्रकार से लिखेंगे, और ये लिखा ताल चिन्ह और ताल के ये बोल, ताल चिन्ह वही हैं, दुगुण लिखेंगे। दुगुण में दो दो मात्राएं इस प्रकार से जोड़ कर लिखेंगे, तीन तीन ये दो मात्राएं, उसके बाद ना धी, उसके बाद लिखें फिर तीन तीन ना, धिन ना, और इस प्रकार से लिखेंगे। और नेक्स्ट लिखेंगे ना ती, तीन को लीजिए तीन ना, धिन ना, धिन ना, फिर दोबारा देख लीजिए तीन तीन ना धी, ना धी, ना ती, तीन ना, धिन ना, धिन ना, तीन तीन ना, धिन ना, धिन ना, तीन तीन ना, धिन ना, धिन ना, ये है ताल के दुगुण। ताल चिन्ह एज इट इज रहेंगे इसी प्रकार से। नेक्स्ट है ताल की तिगुण। तिगुण में हम तीन तीन मात्राएं एक मात्रा के नीचे, और चौगुण में हम चार चार मात्राएं लिखेंगे एक मात्रा के नीचे। इस प्रकार से ताल की एक गुण, दुगुण, तिगुण व चौगुण, और ताल का विवरण इस प्रकार से हम लिखेंगे। ये था ताल की